खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां ग्राम सुनादर में हुई हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 मार्च की शाम को गांव के ही सिपाही लाल आदिवासी ने पुरानी रंजिश के चलते प्रकाश आदिवासी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर ग्राम के पास से एक खेत में 48 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। होली के दिन हमें एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सुनादर थाना पवई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तत्काल ही जैसे ही घटना की सूचना थाना प्रभारी को मिली, वो तत्काल मौके पर रवाना हुए और इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशित किया। तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा थाना प्रभारी पवई एवं सब इंस्पेक्टर अवधेश दुबे के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम के द्वारा जो है आरोपी की तलाश जो है मौके से तुरंत ही की जा रही थी और लगातार इसमें थाना पवई की टीम काम कर रही थी और 48 घंटे के भीतर ही हमने आरोपी को जो है गांव के पास वहां उसका खेत था जहां वह छुपने का प्रयास कर रहा था और बार बार जो है वहां से जंगल की ओर भाग जा रहा था। तो टीम द्वारा जो है रात भर उसकी रेटी की गई और फिर जो है अगली मॉर्निंग टीम ने उसे घेर कर गिरफ्तार किया।